हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी टाइम पर मार्केट में जो बड़ी अपडेट्स है उसे हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मार्केट के सेंटीमेंट को देखेंगे। तो यहाँ पर जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की मीटर है, आज के दिन 25 पर देखने को मिल रही है। कल, परसों और उससे एक दो रोज और पहले की अगर बात करें तो थोड़ा सा उससे कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अभी के टाइम पर मार्केट का सिचुएशन क्या है, उसके बाद से न्यूज़ की तरफ चलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ओवरऑल मार्केट कैप की बात करें तो मुझे जहाँ तक याद है कि पिछले 3 दिनों से ये जो आपको 1.02 ट्रिलियन देखने को मिल रहा है, इसी रेंज में, मतलब यही आपको सेम लगभग वॉल्यूम जो है मार्केट का ओवरऑल जो कैप है ये बना हुआ है। और यहाँ पर जो अभी परसेंट आप देख सकते हो ग्रोथ, मतलब जो डाउनफॉल है वो 0.11%, मतलब मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ गया है और काफ़ी पतला सा एक रेंज बाउंड मान लो इस तरह से मार्केट इसी के अंदर ऐसे ऐसे करके परफॉर्म कर रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस वाले न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, जो ईरानियन एसोसिएशन है, ईरान की जो एसोसिएशन है वो क्या मांग करती है, तो एक स्टेबल स्थिर क्रिप्टो जो रेगुलेशन होता है उसके लिए, जैसा कि जो गवर्नमेंट है वो प्लान करती है जो क्रिप्टो का उपयोग है फॉरेन ट्रेड में, उसके वाइड स्प्रीड को, वाइड स्प्रीड का मतलब कि उसको एक्सटेंड करने को लेकर, उसके एक्सपेंशन को लेकर, फैलाव को लेकर। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे और जो डिटेल्स प्रोवाइड की गई रहती है उसे एक नज़र देखेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगेन से आपको जैसे कि ईरानियन जो एसोसिएशन ऑफ इंपोर्टर्स, इन्होंने यहाँ पर जोर देते हुए बोला कि इनको क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पे नीड है इनको एक स्टेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, क्रिप्टो करेंसी को लेकर इनको एक स्थिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, नाउ डैट द ईरानियन गवर्नमेंट इज ऑफिशियली यूजिंग क्रिप्टो टू पे फॉर इम्पोर्ट्स, कि अब जबकि जो ईरानियन गवर्नमेंट है वो कानूनी तौर पे, मतलब ऑफिशियल तौर पे जो क्रिप्टो है उसको इम्पोर्ट के लिए पे कर रही है, जो भी इम्पोर्टर्स हैं उनको पे किया जा रहा है क्रिप्टो में। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि सितम्बर के एंड तक, मतलब सितम्बर के लास्ट तक जो क्रिप्टो करेंसी की यूज है और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है वो क्या होंगे, तो और भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर यूज होने लगेंगे, और भी ज़्यादा ये एक्सपेंड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। कहाँ पर? तो फॉरेन ट्रेड के लिए विथ टारगेट कंट्रीज। अब ये किसने कहा, तो एक गवर्नमेंट के ऑफिशियल अधिकारी ने कहा। और यहाँ पर विथ टारगेट कंट्रीज़ का मतलब ये हुआ कि कुछ इनके स्पेसिफिक कंट्री होंगे जिसके साथ ये ट्रेड करते हैं, बॉर्डर टू बॉर्डर जो एक्सचेंज, मतलब इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है अलग कंट्रीज़ के साथ, जो कोई भी कंट्रीज़ करती है अपने बिजनेस को, तो उसी के लिए कुछ इनकी स्पेसिफिक कंट्रीज होगी जिनके साथ ये क्रिप्टो करेंसी में डील करेंगे, मतलब एज अ पेमेंट, क्रिप्टो करेंसी पेमेंट का माध्यम बनेगा, क्रिप्टो के जरिए ही लोग पेमेंट वगैरह किया करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो लेटेस्ट घना बेंचमार्क रेट है वो एक रिकॉर्ड पर है, हाइक हुई है, मतलब कि आपको पता है ऐसे आगे की तरफ बढ़ना, ऊपर की तरफ बढ़ना, तो वो लार्जेस्ट है रिकॉर्ड के मामले में बात करें। साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट है उन्होंने प्रॉमिस किया कि एक्शन होगा किसके खिलाफ में, तो जो यहाँ पे सेडी है अनएक्सेप्टेबल, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है उसके हिसाब से। और यहाँ पे जो ये आपको डिप्रिसिएशन है, इसका मतलब हम लोग लाइव चेक ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हो, इसका मतलब है मूल्य ह्रास करके। तो यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में बोला जा रहा है कि जो सेडी की जो मूल्य ह्रास है वो अस्वीकार होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। यहाँ पर किसने कहा? तो प्रेसिडेंट ने कहा। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जो घना की इन्फ्लेशन रेट है जो वो सर्ज हुई है आपको 31.7% जुलाई महीने की अगर हम लोग बात करें, तो इसे देखने के बाद जो बैंक ऑफ घना है उसने रिस्पॉन्ड करते हुए क्या किया है, तो अपनी जो बेंचमार्क की इंटरेस्ट रेट है उसको 300 बेसिस पॉइंट जो है बढ़ा दिया है। और ये सब इकोनॉमी का एक टर्म होता है फ्रेंड्स, जो इन्फ्लेशन होती है और जो बेंचमार्क रेट जो वगैरह जो बढ़ती है एक दूसरे से रिलेटेड होती है, ऐसा कुछ करना पड़ता है सब कुछ स्टेबिलिटी करने के लिए, मतलब स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए। अब यहाँ पे देखो तो एडिशन में जो रेट हाइक है उसके बारे में जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने कहा कि इट विल ग्रेजुअली रेज बैंक्स प्राइमरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जो प्राइमरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होते हैं बैंकों के उसको क्या किया जाएगा, तो उसको भी बढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स यही सारी चीज़ बातें थी कि इन्फ्लेशन रेट इनका काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है और उसी के कारण से इन्होंने जो बेंचमार्क रेट बढ़ाया है ये भी एक रिकॉर्ड है अभी के लिए उस कंट्री के लिए, घना के लिए, जो कि 300 बेसिस पॉइंट थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो एक फिमेक्स मोबाइल ऐप है जहाँ पे बोला जा रहा है कि ये एक वन स्टॉप शॉप होगा किसके लिए, तो जितने भी क्रिप्टो ट्रेडिंग आपको रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स है सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है, ऐसा कि यहाँ पर ऊपर में लिखा गया था। अब इसी के बारे में नीचे यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि 24/7 कस्टमर सपोर्ट होगा और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। और बोला जा रहा है कि सब कुछ जो चीज़ भी आपको चाहिए सारा कुछ आपके पोर्टफोलियो में इस तरह से यहाँ पर फीचर किया गया कि एक एक चीज़ आपको मिलेगा, मतलब ट्रेडर्स के लिए ये एक बेटर ऐप होगा ऐसा इनका वादा है। चलो अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो आपको नाइजेरियन सेंट्रल बैंक है, नाइजेरिया के जो सेंट्रल बैंक है वो टारगेट करती है
10-fold इंक्रीज इन नंबर ऑफ CBDC यूजर। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के जो यूजर्स हैं वहाँ पर, उसके लिए उन्होंने टारगेट रखा है कि 10 गुना वृद्धि होगी, 10 गुना वृद्धि होनी चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने बोला कि जो कैश का उपयोग है वो कहाँ तक चला जाएगा, तो वो 0 तक चला जाएगा, ऐसा इनका कहना है। मतलब ये बढ़ावा देना चाहते हैं, जो भी CBDC का यूज है दिन पर दिन उसको ये बढ़ावा देना, मतलब देना चाहते हैं। और ये कैश जो हम लोग कैश यूज करते हैं, तो ये चाहते हैं कि कैश का यूज एकदम ख़त्म ही हो जाए, कैशलेस हो जाए पूरा का पूरा। तो अब थोड़ा सा नीचे आओ तो यहाँ पर बोला जा रहा है, डिस्पाइट द अपेरेंट स्लो इम्बेरस ऑफ द ई नायरा डिजिटल करेंसी बाय नाइजीरियन। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो अभी थोड़ा सा रफ्तार थोड़ा धीरा है जो ई नायरा डिजिटल करेंसी है नाइजीरियंस के, अब सेंट्रल बैंक जो नाइजीरिया के है जो गवर्नर है वो ऐसा कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है वो टारगेट कर रही है कि जो इंक्रीज है जो यूजर्स हैं जो अभी फिलहाल के टाइम पे CBDC यूज करते हैं उनको 10 गुना बढ़ोतरी होनी चाहिए। जो डिजिटल करेंसी है अगले आने वाले 12 महीने मतलब एक साल के अंदर अंदर 10 गुना ये नंबर जो है CBDC यूजर्स के वो बढ़ जाएंगे, और जो भी ये कैश के यूज हो रहे हैं उसको हम लोग 0 तक लेकर जाएंगे। तो यही मेन इनकी पर्पस है। और फिर आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि जबकि डिजिटल करेंसी क्या होगा कि ये इंक्रीज होता जाएगा और हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो आपको बिटकॉइन और इथेरियम की टेक्निकल एनालिसिस मिलने वाली है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मार्जिनली क्या था, हायर था, अगर मंडे के डिक्लाइन को हम लोग फॉलो करें तो चलो फटाफट से हम लोग चार्ट पे आएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हो BTC का जो आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इसने सपोर्ट ले लिया और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 2 बार ग्रीन कैंडल, 2 दिन ग्रीन कैंडल के बाद से अगेन फिर आपको 2 दिन से रेड कैंडल देखने को मिल रही है, और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा फिर से डगमगाता हुआ देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे देखो इथेरियम का, तो सेम वे में इथेरियम भी आप देख सकते हो यहाँ पर इस पॉइंट पर सपोर्ट लिया और इसके ऊपर टिकाने की अपने आप को कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑस्ट्रेलिया से ये खबर है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, तो क्रिप्टो होल्डिंग्स किया जाएगा, मतलब क्रिप्टो को जो होल्डिंग्स है उसे स्टॉक किया जाएगा रेगुलेशन से पहले या रेगुलेशन आने तक, ऐसा यहाँ पे चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो जो ऑस्ट्रेलिया है उसका जो इरादा है क्या करने का, तो टू डू अ वर्चुअल स्टॉक टेक ऑफ क्रिप्टो करेंसी एसेट हेल्ड बाई इट्स सिटीजन। तो ऑस्ट्रेलिया के जो सिटीजन है, नागरिक हैं, उनके द्वारा जो भी क्रिप्टो करेंसी एसेट उनके पोर्टफोलियो में जो वो होल्ड कर रखे हैं उसको स्टॉक करने के मूड में है, जब तक कि जो नए मतलब यहाँ पर जो उनके रेगुलेशन वगैरह की जो बात निकल कर आ रही है वो सब कुछ क्लियर नहीं हो जाती है। अब ऐसा इसलिए किसने कहा, तो यहाँ पर देखो न्यू एग्जीक्यूटिव पावर इन कैनबरा अनाउंस्ड। कैनबरा में जो नए एग्जीक्यूटिव हैं जिनके हाथ में शक्ति है, पावर है, उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस मतलब ये चीज़ को रिवील किया है। अब आगे देखो द मूव इज व्यूड एज एन इंडिकेशन डेट द सेंटर लेफ्ट गवर्नमेंट प्लान्स टू रेगुलेट द कंट्रीज क्रिप्टो स्पेस। अब ये नज़रिया जो लोगों का इस तरह से निकल कर सामने में आया है, ये कब आया, तो जब इस तरह का कदम मतलब उठाते हुए देखने को मिला कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है क्रिप्टो जो वहाँ की है उस कंट्री के अंदर में उसको रेगुलेट करने की बात जब निकल कर आई, तो वहाँ के लोगों ने बोला कि हमारे पास जो भी क्रिप्टो के होल्डिंग है उसे हम लोग स्टॉक करेंगे जब तक कि ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखो जो बिगेस्ट मूवर है एटम, वो क्या किया, तो 12% ट्यूसडे के दिन की अगर बात करें मतलब कल के दिन की बात करें तो अप गया, जबकि नियर के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसने जो अपनी लॉसिंग स्ट्रिक थी उसे यहाँ पर मतलब खोया है। तो चलो फटाफट से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर एटम का आप देख सकते हो ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, जबकि मार्केट आप देख सकते हो मार्केट जबकि रेंज बाउंड में चल रहा है लेकिन यहाँ पे ग्रोथ ये बरकरार रखा अपना। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नियर का बात करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो लगातार इसका डिक्लाइन हो रहा था उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बड़ा सा बनाते हुए देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स फटाफट से लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।